भोपाल से बड़ी खबर है, सौरभ जैन उर्फ सलीम मामले में न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। एचईटी संदिग्ध आतंकियों से जुड़ा यह बड़ा खुलासा। आपको बताएं, सौरभ की पत्नी सुरभि उर्फ राहिला के भाई का सलीम पर आरोप है। सौरभ ने बनाया धर्मांतरण का दबाव, मुंबई में जाकिर नाइक से मिलकर धर्म परिवर्तन कराया। शादी के बाद सौरभ उर्फ सलीम अपनी ससुराल में रहता था, भोपाल के निषादपुरा क्षेत्र में अपनी ससुराल में रहता था। सुरभि के प्रोफेसर कमाल के संपर्क में रहने का संदेह जताया है। भोपाल के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाती थी सुरभि। सुरभि के भाई मयंक ने न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा किया है। राहिला को जाकिर नाइक से मिलवाने सौरभ ले गया था, उसके बेटों के नाम यूसुफ और इस्माइल रखा। भगवान की पूजा करने को सौरभ मना करता था। एचयूटी के संदिग्ध जो पकड़े गए हैं आतंकी, अगर बात करें तो उनकी पूछताछ के लिए जो एटीएसए और उसके अलावा बात करें एनआईए की पुलिस आचारपुरा की पहाड़ियों तक पहुंची। आचारपुरा ये वही फेमस आचारपुरा है जहां पर सिमी इनकाउंटर हुआ था। यहां पर बने हुए आसपास के जो फार्म हाउस हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध एचयूटी के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, आतंकी, उन्होंने यहां पर अपना समय बिताया था, यहीं पर रुके थे। इस तरह के फार्म हाउसों पर उन्होंने यहां रुके थे। काफी यहाँ पर सर्चिंग की गई। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पूछताछ के लिए भी आए, और अलग बात करें तो यहाँ पर इस तरह ये आचारपुरा का ये आचारपुरा कहलाता अपना आपसे आचारपुरा कहलाता है। हाँ, आचारपुरा कहलाता है। आचारपुरा की पहाड़ी पहाड़ी। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले पुलिस अधिकारी भी आए थे। हाँ, कुछ आए थे। कौन कौन आए थे? वही आए थे, पुलिस के जो आला अफसर जो बड़े अफसर होते हैं वही है। हाँ, डीआईजी अभी इसका पता नहीं है, कंफर्म नहीं है मुझे। क्या कितनी देर रुके यहाँ? यहाँ तो कुछ पूछताछ करने के लिए आए थे, तो हम तो अपना काम कर रहे थे। उसके उसके अलावा तो बस चले गए। ये अच्छा, तो क्या पूछा ना, फार्म हाउस वगैरह का? हाँ, ये पूछा था, फार्म हाउस किसका क्या है, मतलब किसका नहीं, मतलब बोल रहे थे अब यहाँ का एड्रेस दे हमने, ये दो फार्म हाउस है भैया, चले जाइए आप, बस पूछताछ करके चले गए पुलिस अधिकारी। हाँ, कितनी गाड़ियाँ थी? एक गाड़ी थी। एक गाड़ी, तो क्या लग रहा है पुलिस अधिकारी है वो लोग, आपको लग रहा था? हाँ, अधिकारी था पुलिस। उन्होंने बताया क्या बताया आपको? कुछ नहीं, मतलब वो तो ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में, तो बंदूक वगैरह थी? नहीं, ड्रेस में थे, इतना नहीं देखा, गाड़ी में बैठे हुए थे वो, पूछा उनने, हमने कहा ठीक है। और फिर आपने क्या फार्म हाउस दिखाया? नहीं, हमने नहीं दिखाया, हम तो काम कर रहे थे, तो हमने भेज दिया ये है फार्म हाउस, चले जाइए दोनों, एक ये एक वो है। ठीक है, तो ये आचारपुरा की पहाड़ी है। यहाँ पर जो एनआईए और एटीएस को सूचना मिली कि आचारपुरा की पहाड़ी आपको दिखा है, तो सामने वहां पर सिमी इनकाउंटर हुआ था उस आचारपुरा की पहाड़ी पे, और ये पूरी आचारपुरा की पहाड़ी है। और अगर बात करें तो इस तरह के फार्म हाउस पर जो संदिग्ध एचयूटी के मेंबर्स हैं, संदिग्ध सदस्य आतंकी हैं, उन्होंने इस तरह के आचारपुरा के फार्म हाउस पर आकर पनाह ली, यहाँ रुके, और इस तरह के यहाँ जहां जहां पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस वहां पहुंची, इस तरह के फार्म हाउस पर सर्चिंग की। बताया जा रहा है कि इस तरह के स्विमिंग पूल में वो रुके, नहाए, यहाँ पर उन्होंने जो है फायरिंग की भी ट्रेनिंग ली। इस तरह की जगह पर उन्होंने काफी इंजॉयमेंट किया, रुका, और फार्म हाउस पर पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पर आजादी से रहे। तो इस तरह के फार्म हाउस की जानकारी मिली पुलिस, ऐसे संदिग्ध जो फार्म हाउस बताए जा रहे हैं वहां पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की, और उसके बाद कई सारे सबूत इकट्ठे करके वो आचारपुरा से रवाना हुई। तो कह सकते हैं कि बड़ा इन्वेस्टिगेशन उनके हाथ में लगा है कि आचारपुरा में भी उन संदिग्ध एचयूटी के मेंबर्स ने फरारी काटी, यहाँ रुके और यहाँ से गतिविधि को अंजाम दिया। तो कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि भोपाल के आसपास किस तरह से इस तरह के जो फार्म हाउस को पनाहगार बना रखा था, और हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि वो यही फार्म हाउस है या फिर यही है, हालांकि क्योंकि यहाँ पर जो केयरटेकर है उनसे हमने पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी आए, छानबीन की, पूछताछ की, और ऐसे कई फार्म हाउस पर जाकर उन्होंने दबिश दी। कैमरा पर्सन मोहसिन खां के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 आचारपुरा। एचईटी मामले में न्यूज 18 का यह बड़ा खुलासा है। एचईटी आतंकियों ने आचारपुरा में ली थी पनाह, एक फार्म हाउस में पनाह ली थी, यही हुआ था सिमी आतंकियों का एनकाउंटर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एचईटी आतंकियों ने आचारपुरा में पनाह ली थी, एक फार्म हाउस में पनाह ली थी, यही हुआ था सिमी आतंकियों का एनकाउंटर।
ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चिटिया आतंकियों ने अचारपुरा में पनाह ली थी, एक फार्म हाउस में इन्होंने पनाह ली थी। बता दें यहीं पर सिमी आतंकियों का एनकाउंटर भी हुआ था और यहां पर ही इन्होंने पनाह ली थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं भोपाल से। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं एचयूटी मामले में। न्यूज 18 ये बड़ा खुलासा कर रहा है, बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। एचयूटी आतंकियों ने अचारपुरा में पनाह ली थी और एक फार्म हाउस में इन्होंने पनाह ली थी। यहां पर रुके हुए थे, पनागार ने बना रखा था। यहीं हुआ था सिमी आतंकियों का एनकाउंटर। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एचयूटी संदिग्धों के मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, क्या ज्यादा जानकारी है इस पूरे मामले में अभी आपके पास? बिल्कुल, अगर बात करें तो एचयूटी के जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं भोपाल के पास अचारपुरा, उन्होंने अपनी पनाहगार बना रखी थी और यहां पर एक जो फार्म हाउस बताया जा रहा है, इस फार्म हाउस पर रुके, यहां पर वो सारी चीजों को तनाव दूर करते थे, स्ट्रेस दूर करते थे, ट्रेनिंग लेते थे। तो कह सकते हैं अचारपुरा के पास ये जो फार्म हाउस है, जहां पर अचारपुरा वही जगह है जहां पर सिमी इनकाउंटर हुआ था। जब जेल ब्रेक हुई थी उस दौरान सिमी इनकाउंटर भी इसी अचारपुरा की पाली पे हुआ था और इसी जगह को उन्होंने सेपरेट अपना एक पनाहगार समझ लिया था। और अचारपुरा का ये फार्म हाउस जहाँ पर न्यूज 18 की टीम पहुंची, वहाँ ये पता लगाया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस मूवमेंट बना, पुलिस वहाँ पहुंचती है, एटीएस के अधिकारी पहुंचते हैं और हर फार्म हाउस की तलाशी लेकर वहां से जा चुके हैं। तो अचारपुरा का जो ये फार्म हाउस है अब फिर से सवालों घेरे में आ चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर एचयूटी के संदिग्ध आतंकी यहाँ पर रुके, उन्होंने ट्रेनिंग ली और यहाँ पर स्विमिंग पूल में उन्होंने नहाया भी है। जी, यहाँ पर रुके हुए थे, आखिर वहां पर जो फार्म हाउस है उनके मालिक होंगे या वहां पर जो काम करते होंगे उनसे क्या कुछ बातचीत हो पाई? कितने लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे थे और क्या क्या गतिविधियां इनकी थी? देखिए, जो फार्म हाउस है उसके केयर टेकर से हमने बात की, उसके केयर टेकर ने ही ये बात बताई कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ ठहरे हुए थे, उनकी पूछताछ के लिए पुलिस आई, 3 से 4 गाड़ियां पुलिस की आई और उन्होंने पूछताछ की। कुछ आधे से 1 घंटे तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, फिर अचारपुरा के 2-3 फार्म हाउस पर सर्चिंग करने के बाद वो यहाँ से रवाना हुए। और उसी के तहत बताया जा रहा है कि यहाँ पर अचारपुरा एक सेफ पॉइंट माना जाता है, शहर से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर रुककर उन संदिग्ध लोगों ने सारी तरह की ट्रेनिंग ली है और उसके बाद यहीं से वो अगला मूवमेंट अपना तैयार कर रहे थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। और इसी बीच बड़ी खबर, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बलौदा बाजार से, भाटापारा शहर पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। चाकू लहराने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं बलौदा बाजार से। ये बड़ी खबर है, आरोपियों के पास से 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। चाकू लहराने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है, कार्रवाई की गई है, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, भाटापारा शहर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, चाकू भी जब्त किया है। चाकू लहराने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है, नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।